नमस्कार, ऐसे सुविधा में आपका स्वागत है। मैं हूं सुकुमार तिवारी। इस समय आपको राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता गोपाजी महाराज के जन्म स्थल का दृश्य दिखा रहे हैं। उनकी जन्मस्थली ददरेवा धाम का दृश्य दिखा रहे हैं। गोगा जी की नवमी आ रही है, गोगा जी का जन्मोत्सव आ रहा है और ददरेवा में भारी मेला चल रहा है। आप सब जानते हैं गोगा जी महाराज का जन्म इसी महीने में यानी भादव की नवमी के दिन हुआ था। 1003 यानी 1000 से ज़्यादा वर्ष गोगा जी के जन्म हो चुके हैं। पीछे जो दृश्य आप देख रहे हैं ये गोगा जी महाराज का सरोवर है, जहाँ पर गोगा जी महाराज स्नान करते थे। और जो भक्त यहाँ पर ददरेवा आते हैं, पहले यहाँ पर पवित्र सरोवर में स्नान करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसके बाद में ददरेवा में मुख्य जन्मस्थल के मंदिर में जाकर दर्शन करते हैं। जेवर सिंह जी के बेटे यानी माँ बाछल के पुत्र गोगा जी महाराज, जो कि चौहान वंश में जन्मे थे और ऐसे गौसेवक थे, ऐसे धर्मात्मा थे कि गोरखनाथ जी महाराज का खुद का आशीर्वाद उनको मिला था। और गोगा जी महाराज को सर्पों की देवता भी कहा जाता है, क्योंकि सर्प के काटने का अगर कहीं इलाज है तो गोगा जी महाराज के पास है। आप सब जानते हैं जब किसी को सर्पदंश हो जाता है तो ढोल नगारे बजाते हुए उस व्यक्ति को गोगा जी की मेड़ी पर ले जाया जाता है, जहाँ पर वो स्वस्थ हो जाता है। ऐसे गोगा जी के जन्मस्थल का आज हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं। आइए ददरेवा से जन्मस्थल पर उनके इस जन्मोत्सव के मेले का अवलोकन करते हैं। ये चूरू जिले के ददरेवा धाम का दृश्य आप देख रहे हैं। गोगा जी महाराज की जन्मस्थली है ये, और विशाल सरोवर का नज़र आप देख रहे हैं और भक्त आप देख रहे हैं पवित्र सरोवर में स्नान कर रहे हैं। यहाँ स्नान करने के बाद, यज्ञ करने के बाद भक्त गोगा जी के मंदिर जाते हैं दर्शन करने के लिए, धूप लगाने के लिए। भारी बारिश के बाद में आप देख रहे हैं सरोवर पूरा भरा हुआ है और चारों तरफ भक्तों का जमावड़ा देखा जा सकता है। सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं। सादुलपुर से 15 किलोमीटर दूर स्थित ददरेवा धाम का, जो कि वीर जारवीर गोगा जी महाराज की जन्मस्थली है, आप देख रहे हैं भक्त स्नान कर रहे हैं। ददरेवा के तालाब में छोटे छोटे बच्चे भी आप देख रहे हैं। ददरेवा धाम का पवित्र सरोवर आप देख रहे हैं, जहाँ पर भक्त डुबकियाँ लगा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं गोगा जी के दर्शन से पहले, और सरोवर में स्नान के बाद में भक्त यज्ञ करते हैं। सरोवर के जल से प्रसाद बनाया जाता है, जो गोगा जी को भोग लगाया जाता है। जगह जगह भक्तों को प्रसाद बनाते हुए देखा जा सकता है। हवन और यज्ञ जगह जगह किया जा रहा है। सरोवर का नजर आपको दिखा रहे हैं, हर जगह भक्तों को यज्ञ करते हुए देखा जा सकता है। बनाए इनके बाबा यूपी वाले भक्तों को, इनकी मनोकामनाएं पूरी करें। या श्री जहारवीर गोगा जी महाराज के जन्मस्थली ददरेवा धाम का नजर आपको दिखा रहे हैं। विशाल सरोवर का दृश्य आप देख रहे हैं गोगा जी महाराज के। बहुत भीड़ है मेले में, दूर दूर के यात्री आते हैं पीले वस्त्रों में। ये देखिए नजारा पवित्र सरोवर का, जहाँ पर हजारों भक्त स्नान कर रहे हैं। ददरेवा धाम का नजर आपको दिखा रहे हैं। गोगा जी का जन्मोत्सव है परसों नवमी के दिन, पूरे देश के भक्त गोगा जी महाराज के दर्शन करने के लिए, धूप लगाने के लिए आ रहे हैं और दर्शन से पहले पवित्र सरोवर में स्नान किया जा रहा है। बहुत ही सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं चूरू जिले में राजगढ़ तहसील के ददरेवा पंचायत का, जो कि जारवीर गोगा जी महाराज की जन्मस्थली है। आज से 1000 से ज़्यादा वर्ष पूर्व है यहाँ पर चौहान वंश में गोगा जी महाराज का जन्म हुआ था, जो कि जोरावर सिंह जी के पुत्र थे, माँ बाछल के पुत्र थे और गोरखनाथ जी महाराज के परम भक्त थे। गोगा जी महाराज से गोरखनाथ जी महाराज बहुत प्रसन्न थे और उन्हें अपनी भक्ति प्रदान की, और वो जो भी कहते थे, किसी भक्त की कोई कामना होती थी गोगा जी से निवेदन करते ही वो पूर्ण हो जाती थी। और चौहान वंश, जो कि पृथ्वीराज जी चौहान का वंश है, उसके बाद में अगर कोई नाम आता है तो जारवीर गोगा जी चौहान का नाम आता है और उनकी जन्मस्थली है। और आपने समाधि ली थी गोगा मेड़ी में, जो कि हनुमानगढ़ जिले में है। आज आपको चिरी जिले के गोगा जी महाराज के जन्मस्थली का दृश्य
ददरेवा से दिखा रहे हैं। ये पीछे आप देख रहे हैं पवित्र सरोवर है जहाँ पर हजारों भक्त इस समय स्नान कर रहे हैं। यहाँ स्नान करने के बाद में लोग गोगा जी महाराज के मंदिर दर्शन करने के लिए जाते हैं। कुछ देर के बाद हम आपको दर्शन कराएंगे गोगा जी महाराज के जन्म स्थल के। आप देख रहे हैं लोग सरोवर में स्नान करके जयकारों से गूंज रहा है गोगा जी महाराज का जन्म स्थान ददरेवा धाम। कुंड में हजारों लोग स्नान कर रहे हैं। जगह जगह योग लोग यज्ञ कर रहे हैं। गोगा जी कुंड का सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं। गोगा जी के घोड़े भी लोग यहाँ से लेकर जाते हैं, बड़े बड़े घोड़े। कुंड की जल की खीर बनाई जाती है, प्रसाद बनाया जाता है, जो होली को भोग लगता है। ददरेवा धाम का विशाल गोगा जी का मेला देख रहे हैं जन्म स्थल पर। अब हम आपको नौलखा बाग ले चलते हैं, बालयोगी महंत श्री कृष्णा जी महाराज की तपोस्थली, जहाँ पर 12 वर्ष तक गोरखनाथ जी महाराज ने तपस्या की। यहीं से गोगा जी महाराज को आशीर्वाद प्राप्त हुआ था गोरखनाथ जी महाराज का। और यहाँ भीड़ आप देख सकते हैं किस तरह से भक्त दंडवत हो रहे हैं यहाँ पर। नौलखा बाग का दृश्य आप देख रहे हैं। गोरखनाथ जी महाराज ने जहाँ पर 12 वर्ष तक तपस्या की थी वो पवित्र स्थल है। ये भीड़ जो आप देख रहे हैं ये धुना है गोरखनाथ जी महाराज का, जहाँ पर गोरखनाथ जी महाराज ने 12 वर्ष तक तपस्या की थी। मठाधीश बालयोगी महंत कृष्णा जी महाराज के दर्शन कर रहे हैं, जो वर्तमान में यहाँ के महंत है। उसी दौरान वरदान दिया था वो स्थान है, और इसी वरदान से गोगा जी महाराज के साथ माता बाछल गोरखनाथ जी महाराज के हम दर्शन कर रहे हैं। जितने भक्त आते हैं वो सब यहाँ पर दर्शन करते हैं। विशाल प्रतिमा है यहाँ पर गोरखनाथ जी महाराज की, 12 वर्ष तक यहाँ पर तपस्या की थी। और ये वो मूर्ति है जहाँ पर गोरखनाथ जी महाराज आशीर्वाद दे रहे हैं माँ बाछल को, माँ बाछल को, माँ बाछल के आप दर्शन कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं माँ बाछल के कोख में गोरखनाथ जी महाराज का आगमन हो रहा है। यहाँ पर आशीर्वाद मुद्रा में है गुरु गोरखनाथ जी महाराज, और उनका आशीर्वाद से माँ बाछल के कोख में गोगा जी महाराज का आगमन हुआ। ये धुना है यहाँ पर भक्तों की भारी भीड़ दर्शन करने के लिए। जो सुंदर नजर आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप देख रहे हैं गोरखनाथ जी महाराज की मूर्ति है। माँ बाछल और माँ काछल को गोरखनाथ जी महाराज ने आशीर्वाद दिया था, और यहाँ पर आप देख रहे हैं गोरखनाथ जी महाराज आशीर्वाद मुद्रा में है, और उनका आशीर्वाद माँ बाछल के कोख पे जा रहा है गोगा जी महाराज जैसा तेजस्वी। इसी सुंदर पवित्र स्थल पर ददरेवा धाम में गोगा जी महाराज के दर्शन का मेला चल रहा है। मैं बता दूं भादवा नवमी महाराज का इसी पवन पवित्र धरा में गोगा जी का जन्म हुआ था। माबाचल को गोरखनाथ जी महाराज का आशीर्वाद मिला था। आज लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था है कि ददरेवा धाम पूरे देश के लोग यहाँ पर आशीष दुआने के लिए पहुँच रहे हैं। ये दृश्य मैं आपको बार बार दिखाना चाहूँगा। Yeah.
देवता कहा जाता है। आइए दर्शन करवाते हैं आपको। ये नाग बाबा खड़ा, ये नाग बाबा पदम नाग है। द्रेवा धाम के नौलखा बाग का दृश्य आप देख रहे हैं। गुरु गोरखनाथ जी तपस्या, जहाँ पर 12 वर्ष तक तपस्या की और माँ बाछल को आशीर्वाद दिया। यहाँ पर राजस्थान की धरा संत महात्माओं की धरा है, लोक देवताओं की धरा है। अगर लोक देवताओं की बात करें, बाबा रामदेव जी महाराज, तेजाजी महाराज, गोगाजी महाराज जैसे लोक देवता, हरिराम जी महाराज जैसे लोक देवता हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा नाम आता है रामदेव जी महाराज के बाद गोगाजी महाराज का, जिनका जन्म आप सब जानते हैं कि 1003 में हुआ था। भादवा की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन गोरखनाथ जी महाराज ने माँ बाछल को आशीर्वाद दिया और गोगाजी चौहान जैसा, जिनको झारवीर गोगाजी कहते हैं, ऐसा तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ जो सर्पों के राजा कहे जाते हैं और करोड़ों भक्तों के संकट काटते हैं। और इसी स्थान पर गोरखनाथ जी महाराज ने 12 वर्ष तक तपस्या की थी। नौलखा बाग के वर्तमान महंत बाल योगी महंत कृष्णा जी महाराज हैं, उनसे मैं बातचीत करूंगा। महाराज जी, सबसे पहले मैं आपको सत सत नमन करता हूं, थोड़ी यहां की महिमा हमें बताएं। यहां पर गुरु गोरखनाथ जी ने, ये नौलखा बाग है जिस जगह पे आप खड़े हो, जितने श्रद्धालु आ रहे हैं वो यहाँ पे गुरु गोरखनाथ जी का धुना है, जहाँ पे दर्शन कर रहे हैं, यहाँ की विभूति लेते हैं। यहाँ पे गुरु गोरखनाथ जी ने 12 साल तपस्या करी थी अपने चेलों के साथ, जिससे माता बाछल को वरदान दिया था, जिससे गोगाजी महाराज पैदा हुए थे, जो आज गोगाजी महाराज चारों कोणों में पूजे जाते हैं, सर्प के देवता हैं। गोगाजी महाराज, अगर किसी को सर्प डस लिया जाता है तो गोगाजी की मेड़ी के ऊपर ले जाया जाता है उसको, तो उससे गोगाजी महाराज की कृपा होते ही वो तुरंत ठीक हो जाता है। गोरखनाथ जी महाराज यहाँ पर कब पधारे थे? गुरु गोरखनाथ जी महाराज 1143 में यहाँ पधारे थे, उन्होंने 12 साल तपस्या करी थी 1155 तक। महाराज जी, यहाँ पर लगभग कितने भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए, जब मेला होता है 1 महीने? अभी आज तो कम से कम 1 लाख भक्तों ने दर्शन किए हैं। वैसे 1 महीने मेला चलता है, भादवे की 21 से लगा के पूरे 1 महीने चलता है। पहले पक्ष में छठ, सातवीं, आठवीं, नौवीं को यूपी बिहार आती है, जिसमें बहुत श्रद्धालु आते हैं। दूसरे पक्ष में छठ, सातवीं, आठवीं, नौवीं, जिसमें राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये सब भक्त आते हैं। और जो यहाँ पर ये दर्शन करने के लिए जिस स्थान पर आ रहे हैं, क्या यही स्थान है जहाँ पर गोरखनाथ जी ने तपस्या की? जी, यही स्थान है जहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी ने 12 साल तपस्या करी थी। जो भगत दर्शन कर रहे हैं, ये गुरु गोरखनाथ जी का धुना, जिन्होंने उन्होंने अपने चेलों के साथ आकर के यहाँ लगाया था। आपने सुना, बाल योगी कृष्णा जी महाराज ने पूरी जानकारी यहाँ पर दी है कि 12 वर्ष तक गोरखनाथ जी महाराज ने यहाँ पर तपस्या की थी और माँ बाछल को आशीर्वाद दिया था, और उसी आशीर्वाद से जाबर सिंह जी और माँ बाछल के यहाँ पर गोगाजी चौहान जैसे वीर तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जो परम भक्त है गोरखनाथ जी महाराज के। और आज आप देख रहे हैं करोड़ों भक्त पूरे देश से, दुनिया से यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और सबकी मनोकामना गोगाजी महाराज पूर्ण करते हैं। और महाराज जी ने बताया, जैसा कि सर्पों के राजा हैं, सर्प काटने का अगर कहीं भी इलाज कोई नहीं है, तो गोगामेड़ी पर अगर कोई भक्त को लेकर आ जाए तो गोगाजी महाराज के आशीर्वाद से उसकी पीड़ा खत्म हो जाती है, वो स्वस्थ हो जाता है, उसको जीवनदान मिल जाता है। और ये नौलखा बाग में विभिन्न देवताओं के मंदिर है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में भक्त दर्शन कर रहे हैं। संत महात्माओं के, देवताओं के मंदिर है, जहाँ पर कतार में चलते हुए भक्त दर्शन कर रहे हैं। ये समाधियाँ, माँ काली का मंदिर है, ये सभी देवियों के मंदिर है यहाँ पर। आइए अब आपको दर्शन करवाते हैं गोगाजी महाराज के जन्म स्थल के। ये अब आपको दर्शन करवाते हैं गोगाजी महाराज के जन्म स्थल की। और अब मैं गोगाजी महाराज के जन्म स्थल पर पहुंच चुका हूं, जहां पर गोगाजी महाराज का जन्म हुआ था भादवा नवमी के दिन, और माँ बाछल के कोख से बहुत दिव्य तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जो आज यहाँ पर लोक देवता के रूप में पूजे जा रहे हैं। और हम आपको मंदिर लिए चलते हैं, जहाँ पर गोगाजी महाराज के जन्मस्थल के आपको दर्शन करवा रहे हैं। श्री जहारवीर गोगाजी जन्मस्थान ददरेवा के अब दर्शन आपको करवा रहे हैं। लोक देवता श्री जहारवीर गोगाजी जन्मस्थान का दृश्य आप देख रहे हैं, राजगढ़ साधुपुर तहसील के ददरेवा धाम से। ये आप देख रहे हैं गोगाजी महाराज के भक्त, ये देखिए भक्त आए हैं गोगाजी महाराज।
बहुत बड़ी संख्या में भक्त ददरेवा धाम पहुंचे हैं, जयकारे किए जा रहे हैं सब। भारी भीड़ उमड़ रही है गोगाजी महाराज के जन्मस्थल पर ददरेवा धाम में। ददरेवा धाम से हमारा खास कार्यक्रम, ये वो स्थान है जहाँ पर हजार वर्ष पूर्व गोगाजी महाराज का जन्म महाकाछल की कोख से हुआ था। गोरखनाथ जी महाराज की तपस्या की, गोरखनाथ जी महाराज की भक्ति की और भक्ति से प्रसन्न होकर गोरखनाथ जी महाराज ने महाकाछल को बाछल को आशीर्वाद दिया और गोगाजी चौहान जैसा तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। गोरखनाथ जी महाराज के सबसे करीबी, सबसे विश्वस्त भक्तों में से, प्रिय भक्तों में से एक थे गोगाजी महाराज। और कहते हैं कि गोगाजी महाराज को सर्पों के राजा कहा जाता है। मैं पुनः बता दूं, अगर किसी को सांप काट ले, कहीं इलाज नहीं हो तो गोगाजी महाराज की मेड़ी पर ले जाने पर उसका इलाज हो जाता है, क्योंकि गोरखनाथ जी महाराज ने यह आशीर्वाद गोगाजी महाराज को दिया। गोगाजी महाराज का 1000 वर्ष पूर्व यह ददरेवा में जन्म हुआ था और उन्होंने गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ जिले में समाधि ली थी, जहाँ पर भी गोगा नवमी पर बड़ा मेला होता है। इसी नवमी को यानी 3 दिन बाद में गोगा जी का जन्म दिवस आ रहा है। सब जानते हैं भादवा की नवमी के दिन गोगा जी महाराज का जन्म इसी ददरेवा धाम जिला शुरू में हुआ था। SCN सुधागले में शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ, आप सबका धन्यवाद, नमस्कार, जय झारवीर गोगा जी। ये मुख्य द्वार, यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी मेहंदी के छापे लगाते हैं, महिलाएं प्रसाद चढ़ाती है, मेहंदी के छापे लगाती हैं, सबसे बड़ा दान मनोकामना के लिए धागे बांधे जाते हैं इस वृक्ष पर। हम गोगा जी के जन्मस्थल पहुंच चुके हैं। ये नज़ारा बड़ा अद्भुत आप देख रहे हैं, गोगा जी महाराज के आशीर्वाद के रूप में मेरे गले में ये सर्प आप देख रहे हैं, जिसको पहनकर मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी विशाल है और मैं चूंकि यहाँ पर गोगा जी महाराज के जन्मस्थान ददरेवा में आया हूँ तो सर्प को गले में पहनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि गोगा जी महाराज का आशीर्वाद मुझे यहाँ पर मिला है। आज सप्तमी है और नवमी के दिन जन्मोत्सव है और इससे पहले भारी भीड़ भक्तों की उमड़ रही है ददरेवा धाम में। गोगा जी महाराज के जन्मस्थल के आपको दर्शन करवा रहे हैं, बहुत दिव्य स्थल, और इसी कक्ष में गोगा जी महाराज का जन्म माँ बाछल की कोख से हुआ था। झारवीर गोगा जी चौहान के जन्मस्थल का दृश्य आप देख रहे हैं ददरेवा धाम, ठीक सामने आप देख रहे हैं गोगा जी महाराज की दिव्य मूर्ति। ददरेवा धाम में गोगा जी के जन्मस्थल का दृश्य आप देख रहे हैं, ये वो कक्ष है जहाँ पर गोगा जी महाराज का जन्म हुआ। बहुत सुंदर सजा धजा, हमारे लोक देवता, सब धर्मों के लोग गोगा जी महाराज को मानते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी यहाँ पर आते हैं, शीश नवाते हैं और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। जन्मदिवस पर पूरा कक्ष, पूरा मंदिर सजाया गया है गोगा जी महाराज का और नीले घोड़े पर सवार एक और मूर्ति भी आप देख रहे हैं गोगा जी महाराज की। ददरेवा धाम से गोगा जी महाराज के जन्मस्थल का दृश्य आप देख रहे हैं, ठीक सामने आप देख रहे हैं गोगा जी महाराज की मूर्ति। भारी भीड़ उमड़ रही है दर्शनों के लिए। ये नगारा जहाँ पर आरती होती है गोगा जी महाराज की और ये गोरखनाथ जी महाराज और माँ बाछल का मंदिर जहाँ पर गोरखनाथ जी महाराज माँ बाछल को आशीर्वाद दे रहे हैं। भक्ति का वरदान गोगा जी जैसा पुत्र जन्मा माँ बाछल को। ये गोगा जी का धुना, ये प्रतिमा जमीन से निकली हुई है, बहुत प्राचीन आप देख सकते हैं। ये
अर्जन और सज्जन की। और ये जो अंकित है ये हम सब समझते भी नहीं, इतनी प्राचीन है शिलालेख। सभी आशीर्वाद लेते हैं अर्जुन और सर्जन का, माँ का छल के पुत्र नीला घोड़ा, पांच बावरियों का स्थान। ये शिवालय, प्राचीन शिवालय, विशाल शिवलिंग के दर्शन आप कर रहे हैं दत्तेरा धाम गोगा जी जन्म स्थान पर। और गोगा जी महाराज की समाधि भी यहाँ बनी हुई है। ऐसे तो गोगा जी ने गोगा बेड़ी में समाधि ली थी, यहाँ पर प्रतीक के रूप में बना रखी है। चलिए गोगा जी महाराज के आभूषण के दर्शन करते हैं। हाथ सर्पों के राजा है गोगा जी महाराज, और यहाँ पर सर्पों के दर्शन होते हैं ददरेवा धाम में। गोगा जी महाराज के जन्मस्थल पे आए हूँ, और अगर सर्प मेरे गले में नहीं हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे मेरा नाम शिव है, और शिव भगवान शिव का आभूषण सर्प हैं, तो नाम का असर तो आएगा ही। और ये आप देख रहे हैं गोगा जी महाराज जिनके राजा हैं, सर्पों के राजा है, और ये सर्प मेरे गले में है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि गोगा जी महाराज का मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। किसी को सर्प काट ले तो अगर गोगा मेड़ी पर है उसको लेकर जाएं तो गोगा जी महाराज के आशीर्वाद से वो वक्त ठीक हो जाता है। और आप देख रहे हैं ये सर्प मेरे गले में बहुत सुंदर लग रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि गोगा जी महाराज का आशीर्वाद, गोगा जी महाराज की माला मेरे गले में भक्त जी ने पहना दी है। और यहाँ पर जितने भक्त आते हैं वो सब यहाँ पर गोगा जी महाराज के आभूषण सर्प के दर्शन करते हैं, और यहाँ पर चढ़ाव भी करते हैं। लोग पीले वस्त्र पहन कर आते हैं यहाँ पर, जो कि गोगा जी को प्रिय है, और नीली घोड़ी गोगा जी को चढ़ाई जाती है। मंदिर के सामने अनेक दुकानें सजी हैं जहाँ पर भक्त प्रसाद खरीदते हैं, दजाएँ खरीदते हैं। हवन किया जा रहा है और भजन बोले जा रहे हैं डेरों पर। ये प्राचीन कुआ है जहाँ पर भक्त धूप लगा रहे हैं। जगह जगह भंडारे चल रहे हैं प्रसाद के लिए। आप देखिए किस तरह से ददरेवा के भक्त गाड़ियों में सवार होकर जा रहे हैं। सादुलपुर रेलवे स्टेशन पर भी भंडारा लगाया गया भक्तों के लिए। ये सादुलपुर रेलवे स्टेशन का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ आप देख रहे हैं बहुत भीड़ है गोगा जी भक्तों की। भक्त बड़े बड़े निशान लेकर आते हैं गोगा जी महाराज को चढ़ाने के लिए। रेलवे स्टेशन विश्रामालय का दृश्य आप देख सकते हैं। रेलवे प्लेटफार्म को विश्रामालय कहा जाता है, और वास्तव में आज ये विश्रामालय नजर आ रहा है, क्योंकि हजारों लोग यहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। ये सारे गोगा भक्त हैं जो ददरेवा जाकर आए हैं, या कोई ददरेवा जा रहे हैं। हमने आपको गोरखनाथ जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य गोगा जी महाराज की जन्मस्थली ददरेवा धाम के दर्शन करवाए। मैं जो भक्त ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनके बताना चाहूँगा कि अगर आप गोगा जी महाराज के जन्मस्थान ददरेवा जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप सादुलपुर राजगढ़ आ सकते हैं। ट्रेन से अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो दिल्ली सरायरोला से आपको ट्रेन मिलेगी जो आपको राजगढ़ सादुलपुर रेलवे स्टेशन उतारेगी। वहाँ से रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हुए आपको गाड़ियाँ मिलती है। राजगढ़ सादुलपुर से 18 किलोमीटर की दूरी पर है ददरेवा धाम, जहाँ पर गोगा जी महाराज का जन्म हुआ था,
माँ बाछल की कोख से, और ये वो महाराज हैं क्योंकि आप जानते हैं चौहान वंश में राजघराने में गोगाजी महाराज का जन्म हुआ था, और पृथ्वीराज चौहान के बाद में अगर चौहान वंश में किसी वीर का नाम आता है तो वो गोगाजी महाराज का है। और अभी भी आप देख रहे हैं राजगढ़ सादुलपुर रेलवे स्टेशन पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, गाड़ियाँ फुल आ रही है, लोग ट्रेन की छतों पर सफ़र करते हुए गोगाजी महाराज के दर्शन करने के लिए सादुलपुर पहुँच रहे हैं, जहाँ से 18 किलोमीटर की दूरी पर गोगाजी महाराज का जन्म हुआ था ददरेवा धाम में।